नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में कौन क्या है महत्वपूर्ण करंट अफेयर वीडियो, अगस्त 2020 तक की अपडेट है। तो इसमें देखेंगे अर्धसैनिक बलों के प्रमुख। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर करना और इजी नौकरी चैनल को भी सब्सक्राइब करना। चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB के कौन है अभी? तो विकी का स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ, जिसमें कि आपको कुछ फैक्ट्स और हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए। तो महानिदेशक अभी कौन है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कुमार राजेश चंद्र, जो कि एक IPS अधिकारी हैं, और ये महानिदेशक हैं अभी सशस्त्र सीमा बल के, कुमार राजेश चंद्र इनका नाम है। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है SSB? तो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। होम मिनिस्टर कौन है अभी? अमित शाह हैं। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और ये और बता दूँ, SSB किन किन बॉर्डरों पर तैनात रहती है? तो फ्रेंड्स, एक रहती है नेपाल पे और एक रहती है भूटान पे, जहाँ इंटरनेशनल बाउंड्री है इंडिया की। दो सरहदों पर रहती है, एक नेपाल में एक भूटान पे SSB, ठीक है, याद रखना है, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल या से कहते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कौन है महानिदेशक? तो इसका जो सही आंसर है वो है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना, जो कि डायरेक्टर जनरल है BSF के, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है BSF? यह आती है फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। होम अफेयर मंत्री कौन है अभी? तो वह है अमित शाह। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर स्थित है। BSF किन किन सीमाओं पर रहती है फ्रेंड्स? जैसे कि बता दूं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दो सीमाओं पर रहती है BSF, याद रखिएगा। और जो SSB अभी मैंने बताया वो रहती है नेपाल और भूटान की सरहदों पर, ठीक है। और ये रहती है बांग्लादेश और पाकिस्तान की सरहदों पर BSF तैनात रहती है, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। महानिदेशक CRPF कौन है महानिदेशक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के? तो वो है फ्रेंड AP महेश्वरी, या आनंद कुमार महेश्वरी ने कहते हैं, डायरेक्टर जनरल है CRPF के, ने याद रखना। और होम अफेयर के अंदर आती है ये। होम मंत्री कौन है? गृह मंत्री कौन है? अमित शाह है, ठीक है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के CISF के, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के, तो फ्रेंड एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है? तो वो है राजेश रंजन, ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके माननीय डायरेक्टर जनरल हैं और होम मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है CISF, जो कि गृह मंत्री हैं, भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा, महानिदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के कौन है महानिदेशक? तो वो हैं अनूप कुमार सिंह, ए ऑप्शन डायरेक्टर जनरल हैं अनूप कुमार सिंह, याद रखिएगा। और अमित शाह रेस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के लिए, जिसके अंदर NSG आती है। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन, महानिदेशक विशेष सुरक्षा समूह या SPG के महानिदेशक अभी कौन है? तो वो है फ्रेंड अरुण कुमार सिन्हा, बी ऑप्शन, याद रखेगा। और न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इसके महानिदेशक कौन है फ्रेंड, जो कि भारत और तिब्बत की सीमा पर रहती है ITBP, और इसके जो महानिदेशक हैं वो हैं SS देसवाल, ठीक है, ए ऑप्शन SS देसवाल, जो कि डायरेक्टर जनरल है ITBP की। होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है ITBP, अमित शाह हैं होम मंत्री गृह मंत्री, ठीक है, याद रखिएगा। न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आठवां, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक कौन है NCC के, नेशनल कैडेट कोर? तो इसके जो सही आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा जी, ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल है और महानिदेशक है NCC के। और इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है NCC का वो नई दिल्ली में स्थित है। मोटो है इसका एकता और अनुशासन, याद रखिएगा। राजीव चोपड़ा हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल या से कहते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन है अभी महानिदेशक? तो वो हैं फ्रेंड्स इसके डायरेक्टर जनरल हैं के नटराजन, या इन्हें कहते हैं कृष्ण स्वामी नटराजन, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन कोस्ट गार्ड के, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, दसवां, महानिदेशक कौन है NDRF नेशनल डिफेंस रेस्पॉन्स फोर्स के कौन है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स इसकी जो महानिदेशक हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान। कौन है? SN प्रधान, यहाँ आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल हैं IPS अधिकारी हैं, और इसकी जो फुल फॉर्म है इनके नाम की SN की, सत्यनारायण प्रधान, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, और इसके जो करंटली डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं सत्यनारायण प्रधान, याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है। होम मंत्री कौन है, यानी कि गृह मंत्री कौन है अभी? तो वह हैं अमित शाह जी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल RPF के कौन है? महानिदेशक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। तो फ्रेंड इसके जो अध्यक्ष हैं वो है अरुण कुमार। अरुण कुमार ए ऑप्शन, जो कि डायरेक्टर जनरल है RPF के। और आपको पता ही है RPF जो कि रेलवे के अंदर आती है, और रेलवे के कितने जोन हैं टोटल? तो 18 जोन है, ठीक है। और साउथ कोस्ट रेलवे जो 18वां जोन बनाता है, जिसका हेडक्वार्टर स्थित है विशाखापट्टनम में, ये याद रखिएगा। नई दिल्ली रेलवे बोर्ड का जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और मिनिस्टर कौन है इसके? तो पीयूष गोयल मिनिस्टर हैं। विनोद कुमार यादव रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है, ये जरूर याद रखेगा। RPF के कौन है? तो वो है अरुण कुमार, महानिदेशक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महानिर्देशक असम राइफल के कौन है? AR के। तो इसका जो सही आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल है ये सुखदीप सांगवान, इनका नाम है ए ऑप्शन, सुखदीप सांगवान जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है और असम राइफल के ये अभी महानिदेशक है। असम राइफल जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के मंत्री कौन है? अमित शाह है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। तो वो है महानिदेशक कौन है अभी होमगार्ड के, HG के? तो वो है अभी सत्यनारायण प्रधान, SN प्रधान, जो अभी मैंने ऊपर बताया था NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं। और इसके साथ साथ इन्हें एडिशनल चार्ज भी मिला हुआ है होमगार्ड के महानिदेशक का, ठीक है, याद रखिएगा। सत्यनारायण प्रधान इनका नाम है, जो कि होमगार्ड के महानिदेशक हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो वाकई अच्छी है तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब भी, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का फायदा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।